अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद अरसलान अख्तर टीम स्टेट एडवाइजरी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज की दोबारा हम लोग एपिसोड बनाने जा रहे हैं जी डीएचए वैली पे। डीएचए वैली पे मेरे साथ आज के गेस्ट हैं दोबारा हसनैन भाई, एमएच स्टेट, इनका अपना भी चैनल है। हम लोगों ने वो पॉडकास्ट का आप कह लें एक सीक्वेंस स्टार्ट किया था। फर्स्ट एपिसोड हम लोगों ने अपलोड की, सेकेंड भाई ने अपलोड की, थर्ड हम दोबारा आज अपलोड करने जा रहे हैं। तो आज की इसमें डिस्कशन रैंडम डिस्कशन है कि रिलोकेट प्लॉट हो गया जनाब, इस ब्लॉक से इसमें क्यों आ गया, इसका क्या फ्यूचर है, नॉन बैलेटेड क्या है, करंट मार्केट क्या है, महीना पहले जो थी मार्केट किस जगह पे थी, आज जो है मार्केट किस जगह पे स्टैंड कर रही है, आने वाले दो महीने महीने में हम मार्केट को किस जगह पे देख रहे हैं। तो मैं वेलकम करूंगा जी हसनैन भाई आपको, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। सुनाएं क्या मामला है सर। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आपने मौका दिया, बुलाया तो सर और अगर आप स्क्रॉल करके मेरे चैनल पे जाए तो दो तीन वीडियो से पहले वो पॉडकास्ट पड़ा हुआ है, पॉडकास्ट वन के नाम से, डीएचए वैली के नाम से। तो उस वक्त जो रेट थे ग्लोबल की आप बात करें जी, हॉट फेवरेट प्रोडक्ट है एंड यूजर्स की भी, रियल्टर्स कम्युनिटी की भी, कि जी ग्लोबल में ही लेना है, पोजेशन लेटर वाले ही लेना है। तो उन दिनों में लाइक कुछ दिन पहले की बात है, कुछ हफ्ते पहले भी नहीं कह सकता, तो मोर और लेस जो फाइल की अवेलेबिलिटी थी वो 61 लाख रुपए पे थी, 61 लाख रुपीज पे पोजेशन लेटर वाली 8 मरला की ग्लोबल अवेलेबल थी। आज का क्या रेट है और इस कुछ दिनों में मार्केट में क्या एक्टिविटी देखने में आई है, ये मैं हसनैन भाई आपसे पूछूंगा, थोड़ा सा इस पर काइंडली बात करें। सर लास्ट जो पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया था, शायद अब वो फर्स्ट था या सेकंड था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट जो है रिवाइव कर रही है। तो सर जो ब्लू बेल है ये 60 तक जो है इसकी डिप गई थी, 60 61 में तो मैंने एक बेची थी, मतलब मेरे ख्याल में 60 में भी कुछ चीज़ें बिकी थी, एक दो फाइल्स मार्केट में बिकी थी। और अगर आज की हम बात करें तो आज मेरी बायर है, सॉरी ऑफर है मेरी ब्लू बेल पोजिशन लेटर ऑल ड्यूज क्लियर के साथ 65 लाख की ऑफर है पक्की। एक नहीं चार दे रहे, 65 लाख असेंड में ही खरीदारी नहीं चल रही है, लेकिन फिर सोच ले ऑफर से मुराद कि देखिए एक वीडियो, ये एक बड़ा एक रिकॉर्ड की चीज है। बहुत सारे भाई दोस्त कहते हैं कि यार डीलर्स अक्सर पास से बैठ के ऐसी रेट बनाने के लिए मतलब कर रहे होते हैं। 65 की मेरी ऑफर है, बायर मेरे पास है 66 लाख का। तो मतलब आज की जो मार्केट है, आज की स्पेशली वर्ड यूज करूं क्योंकि कल की जो थी वो 65 प्लस माइनस पे थी, आज 66 लाख प्लस माइनस पे है। तो वैली में पहले भी एक दो वीडियोज में बता चुका हूँ कि जब गिरती है तो स्लो एंड स्टेडी नीचे की तरफ जाती है, लेकिन जब दोबारा रिकवरी की तरफ या पॉजिटिव ट्रेंड पकड़ती है तो ये डेज में जो है अच्छी खासी मतलब ऊपर चली जाती है। तो ये पिछले 2-3 दिन से आप लोगों ने भी विटनेस किया होगा, एक कॉन्स्टेंटली लाख डेढ़ लाख मार्केट जो है आपकी जो ब्लू बेल स्पेशली ये पिछले एक हफ्ते में बड़े अच्छे इस पे इसने रिकवरी की है। और आज सर इसका जो है 66 लाख का पोजिशन लेटर वाली का रेट है। और मजे की बात, अक्सर हम बात करते होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, बायर ज्यादा है सेलर नहीं है, एक दो चीजें हैं जो 67 लाख लोग कह रहे हैं और फंसे हुए हैं उस पे, शायद कल तक रेट 66.5 या 67 पे फिर चला जाए। मैं आपकी बात ही कंटिन्यू करूंगा। देखें जब डिप आती है तो डिप के वक्त तो जो बाय कर रहे होते हैं जाहिर सी बात है उनके तो मजे ही होते हैं। अब ये जो डिप आया है, डिप से पहले अप था, तो अप में भी लोगों ने ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ बाइंग की हुई थी। तो एक बंदे ने फॉर एग्जांपल 68 70 72 पे जब बाय की हुई है तो ऑज इट पॉसिबल कि वो 66 में बेच दे, लेकिन जैसे ही एक दफा शूट लगनी है जाहिर सी बात है कि मुझे हंसी आ जाती है याद करके कि यही गालिबन साल और 2 महीने 14-16 महीने पहले की बात है या 18 महीने पहले की बात है, यही फाइलें चल रही होती थी 14 लाख पे 13 लाख पे, ना कोई लेने वाला होता था ना कोई देने वाला होता था। तो अगर 18 माह में एक 14 लाख वाली चीज लाइक 75 को भी उसने टच किया है, तो 75 के बाद अगर वापस आके बहुत डिप लेके भी 60 को टच करके दोबारा अगर आप कह रहे हैं कि 65 पे मैं बायर हूं,
चार फाइल्स का बायर हूं, चले जी चार का मैं भी हूं, मतलब मार्केट में एक्टिविटी है। 16 वाली चीज 75 पे जाके वापस 25-30 पे नहीं आई है, 8-10 लाख रुपए की करेक्शन, तो दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। और वो करेक्शन तो देखे ओवरऑल एक प्रॉपर्टी की ट्रेंड की वजह से है ना, आपके मुल्क के हालात की वजह से करेक्शन आई थी उसके ऊपर। तो लाइक वो जैसे हमने पिछली बार बात की थी, आपने बल्कि क्वेश्चन किया था कि आपके पास 50 लाख है कहाँ जाएंगे, तो ये मैंने एक जवाब दिया था कि जी मैं वैली में जाऊंगा, इसलिए नहीं कि मैं वैली का काम करता हूँ, इसीलिए कि क्योंकि मैं इस टाइम अपनी इस विसिनिटी में क्या पिंडी इस्लामाबाद में सबसे तगड़ा प्रोजेक्ट ही मैं वैली को देखता हूँ। 50 लाख रुपए में असलान भाई, ये मेरे ख्याल में हर रियल्टर का यही फैसला होगा कि 50 लाख में आप अपनी जात के लिए अगर कोई चीज लेते हैं तो इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है इस टाइम। असलान भाई हमारा, मेरा ऑफिस भी बैरिया फेज 7 में है, आपका भी बैरिया फेज 7 में है, तो जो बनाने वाला घर है व्यूअर्स, जिस पे आप प्लॉट सॉरी जिस पे आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं, अच्छा प्लॉट फिलिंग वाला ना हो, तो 50 लाख रुपए में आपको 5 मरले का प्लॉट भी नहीं मिलता है बैरिया में। बिल्कुल ठीक है, तो वो आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा। खैर इस एपिसोड का बेसिकली पर्पस ये नहीं है, आपको बेचने का पर्पस नहीं है, आपको ये कहने का पर्पस नहीं है कि आप लोग खरीदें, एक हेल्दी डिस्कशन हो रही है, प्रो एंड कॉन्स आपको बता रहे हैं, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आपको बताया है, एज ऑफ टुडे क्या डेवलपमेंट हो चुकी है, डेवलपमेंट का थोड़ा सा मैं एक दफा असलान भाई आपसे बोलूंगा, थोड़ा सा एक रिफ्रेशर दे दें कि क्या क्या चीजें और डेवलपमेंट आई है इस हफ्ते 1.5 हफ्ते में 10 दिन में। सर पिछले हफ्ते 10 दिन में तो शायद इतनी ज्यादा डेवलपमेंट ना आई हो क्योंकि मेरे ख्याल में बारिशें होती रही है। विजिट मेरा भी नहीं हो सका, ठीक है, लेकिन बारिशों की वजह से आई एम श्योर कि सच में इतनी डेवलपमेंट इन्होंने नहीं की होगी, बारिशों में काम नहीं कर सकते। लेकिन सर जो पॉजिटिव लाइक एक हमारे पास वो है जो हमें आइडिया हुआ, रोज और ब्लूबेल के दरमियान में एक जो एक्सप्रेस वे वाला जो ट्रैक था वो ब्लैक टॉप हो गया, ब्रिज जो है आपका उसकी जो मिड वाला था उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह 1.5 माह में 2 माह में वो कंप्लीट हो जाएगा। और ब्रिज एक आप भी समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो ठीक ठाक रेट को जो है, लास्ट जो ब्लूबेल का टॉप गया था मेरे ख्याल में इन माई ओपिनियन के लास्ट ब्लूबेल 79 लाख तक गई, और अगर जिस दिन इंशाल्लाह ब्रिज आ गया तो अल्लाह पाक खैर करे मुल्क के हालात बेहतर रहे तो वो उसको क्रॉस करेगा, ये दोबारा से रेट जो है ब्रिज के लगने से ऊपर चला जाएगा, ये 79 लाख वापस जो पोजीशन लेटर ब्लूबेल की फाइल है मेरे ख्याल में ब्रिज की ओपनिंग के ऊपर इसको क्रॉस कर देगी। सर मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, आप 79 को क्रॉस करने की बात करते हैं, कई दफा कॉमेंट्स कर रहे होते हैं व्यूअर्स के ये यार क्या बातें करता है, मैं करोड़ रुपए की बात करता हूँ सर। बिल्कुल, लेकिन मैं देखिए उन भाइयों को स्पेशली जिन्होंने हमारी बात मानी भी सही कि कुछ लोगों ने चीजें बेची ऐसे लास्ट टाइम जब डिप लग रही थी, जाहिर है सर लोग परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा मामला मुल्की हालात भी खराब है, बात सिर्फ अभी डीएचए वैली की नहीं है, कई लोग तो इस तरह परेशान हो जाते हैं कि यार शायद हमारा ये पैसे ही किसी काम का ना रहे, डॉलर्स में कन्वर्ट करें इसे, कभी कहीं जाना पड़ जाए ऐसे हो। तो कुछ भाइयों ने मुझे स्पेशली कॉल की और मशवरे के लिए बात की कि भाई आप क्या समझ रहे हो, हमें तो लगता है ये सब कुछ चला जाएगा, तो बात वही है कि जैसे कि बताया था कि इवन ये ना सिर्फ अपने टॉप को टच करेगी क्रॉस करेगी, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, ये अल्लाह पाक खैर करे, मुल्की हालात को भी साथ साथ थोड़ा सा देखना है, अगर अल्लाह पाक की खैर हुई अल्लाह पाक की तरफ से तो बिल्कुल जो आप फिगर बता रहे हैं ये इसको क्रॉस कर जाएगी, इतना तो जरूर इसमें टच करना ही करना है। असलान भाई सॉरी मैं ये मुल्की हालात वाला बीच में एड ऑन करना ये रह गया था, करोड़ इज कनेक्टेड टू मुल्की हालात जी, ठीक है, जैसे ही इलेक्शन का अनाउंस हो जाए 2 महीने में बिल्कुल बिल्कुल फिर तो सर करोड़ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाकी भी अगर आप बाकी सोसाइटीज का ओवरऑल एक व्यू लेना जी, ट्विन सिटीज की बात कर रहा हूँ, जस्ट नेम द सोसाइटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, पिछले दिनों आसमान पे प्रॉफिट जा रहा था, दोबारा से जान पड़ी थी प्रोजेक्ट में, इस वक्त कोई खरीदार नहीं है, कोई बेचने वाला नहीं है। आप उसके बाद रूडन एनक्लेव की बात कर रहे हैं, हम सारी प्रोडक्ट्स का काम कर रहे हैं रूडन एनक्लेव में, बिल्कुल चीजें रुकी हुई हैं, फॉर द टाइम बीइंग रुकी हुई हैं, मुल्की हालात की वजह से रुकी हुई हैं। आप ब्लू वर्ल्ड का देख लें, चीजें रुकी हुई हैं। आप उसके बाद जो है जो पार्क व्यू है उसका देख लें, उसके बाद नोवा है, नोवा तो बल्कि आज एक इवेंट भी करने जा रहा है, स्टिल उसकी इवेंट के अनाउंसमेंट के बाद भी जो उनको डिटेल मिल रहे हैं उनकी चीजें रुकी हुई हैं, अभी तक माइनस में है। ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर इस तरह का बना हुआ है, ये जैसे ही थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी हमारी आवाम को जी, देखें डॉलर बढ़ता है जाहिर सी बात है, पैसा डीवैल्यू होता है, लेकिन मुल्क खुदा ना खास से डिफॉल्ट भी कर दिया, सैन भाई आपने भी इधर ही रहना है, मैंने भी इधर ही रहना है, और जो पाकिस्तान में व्यूअर्स देख रहे हैं उन्होंने भी इधर ही रहना है, गुजारा इधर ही करना है, एट द डे एंड जिसकी प्रॉपर्टी है जो ओन करता है ही इज द विनर। एग्जैक्टली ऐसे ही है,
दूसरा जो मैं समझता हूँ अरसलान भाई, हमें अपने चैनल्स पे जो चीज जिसके बारे में बात करनी चाहिए, देखें रेट्स हर कोई बताता है, मेरे ख्याल में आप भी डिफरेंट चैनल देखते होंगे, अपने प्रोजेक्ट से हट के भी देखते होंगे, मैं तो इवन लॉवर बोलता हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ यूट्यूब पे पहुंचा हुआ होता हूँ, मतलब जिन प्रोजेक्ट्स पे हमारा लेना देना भी नहीं है, फॉर अवेयरनेस फॉर द नॉलेज मैं चीजें देख रहा होता हूँ, रेट्स की बात हर कोई करता है, प्रेडिक्शंस भी देता है, क्योंकि जाहिर है लोग काम कर रहे होते हैं कि जी आने वाला रेट। मेरे ख्याल में हमें एक चीज पे काम करना चाहिए, अपने इन भाइयों दोस्तों की डिसीजन पावर, वो जो है ना डिसीजन मेकिंग पावर जो है, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें डिस्कस करना चाहिए कि इनकरेज करना चाहिए इन लोगों को कि थोड़ा सा ये अगर अपने डिसीजन वाली, जैसे अब मैंने बात इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले 2 माह में आप भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था, हर चैनल वाले यही कह रहे थे बाय द डिप, और हमेशा मतलब डिप जो होती है बाइंग के लिए होती है, ये नहीं कि फंड्स नहीं है, और स्पेशली हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं DHA के, तो बायर के पास हर टाइम फंड्स होते हैं, बट बात वही है कि हमारे कहने के बावजूद मतलब बहुत लिमिटेड लोगों ने अब बाइंग की, तो सर डिप के ऊपर जिन लिमिटेड लोगों ने बाइंग की है फायदे में है, वो एंजॉय कर रहे हैं। एक तो चीज बात यही ना कि इस चीज के ऊपर थोड़ा सा मेरे ख्याल में देखने वाले दोस्तों को स्पेशली इस चीज पे थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए कि अपनी डिसीजन मेकिंग पावर जो है इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब इन्हें काम करना चाहिए, जब रेट नीचे जाए चीज लेनी चाहिए, जब रेट ऊपर जाए तब चीज बेचनी चाहिए। तो ये मैं कहना इसलिए चाह रहा हूँ कि जब रेट था 60-61 पे कोई बायर नहीं था, आज जब 65 पे कोई चीज मिल नहीं रही, तो 4 बायर्स तो मेरे पास हैं, 3-4 आपके पास भी है, मतलब इस टाइम मेरे ख्याल में मार्केट में 9-10 बायर्स स्टैंड बाय पे फॉर द ब्लूबेरी, एक प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट की ब्लूबेरी के, ब्लूबेरी पोजीशन लेटर पे डिमांड क्रिएट हुई है, तो मतलब अभी इस टाइम सप्लाई जो है कम है, डिमांड ज्यादा है, बट बात फिर वो डिसीजन वाली कि जब 60 लाख पे थी तो ये लोग कहाँ थे, तब भी ये लोग देख रहे थे लेकिन हमारी बात उस टाइम सुन नहीं रहे थे। देखिए बात सर, हमारा जो फायदा हमेशा, एक और मैं बात बताऊं कुछ थोड़ा सा देखने वालों के लिए, बुरा ना मनाए लेकिन हमारा तो सर 60,000 कमीशन तब भी है, हाँ। जब ऊपर है तब भी हम तो 60,000 रुपए पे ही हैं, लेकिन हाँ। फायदे की बात हम मतलब अपने व्यूअर्स के लिए कर रहे होते हैं कि 60 लाख की ले लेना, हाँ। अब ये 70 लाख 75 और 80 पे भी लोग लेंगे, लेंगे। जाके लेंगे उस वक्त दौड़ लगी होगी उस टाइम, अच्छा फिर जब रेट थोड़ा सा स्पीड में जाता है तो मतलब उस टाइम डिसीजन पावर वाली बात फिर से, डिसीजन पहले ले लिया करें ना कि देखा देखी में, मतलब एक जब रेट कांस्टेंटली ऐसे ऊपर जा रहा तो उस टाइम प्लेंटी ऑफ बायर्स आ जाएंगे, उस जो है इसको समझ भी। असन भाई वाइंड अप करते हैं, निचोड़ ये है कि जी प्रॉपर्टी लेके पछताएं, लेके रख के पछताएं, छोड़ के ना पछताएं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया असन भाई, आपका भी शुक्रिया जी, थैंक्स फॉर कमिंग। इंशाल्लाह ताला इसी पॉडकास्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, आपकी कोई भी क्यूरी है रिगार्डिंग DHA वैली, यू कैन कॉल अस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, टीम स्टेट एडवाइजरी इज ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू, टू सर्व यू, टू गिव यू द बेस्ट ऑफ बेस्ट। अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मुलाकात होती है, अस्सलाम वालेकुम।